इस वीडियो में हम लोग VMware को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले VMware लिखकर सर्च करना, VMware डाउनलोड लिख लीजिए, सर्च मारिएगा। इस सॉफ्टवेयर की मदद से क्या होता है कि वर्चुअली कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओपन होगा तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिए ये विंडोज के लिए है और यहाँ पर लिनक्स के लिए है। तो मेरा कंप्यूटर विंडोज है तो विंडोज में इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दूंगा। अगर आपका लिनक्स हो तो लिनक्स पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोड होने लगा। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो इंस्टॉल करूँगा, तो इसे रोक देता हूँ। तो सबसे पहले VMware को इंस्टॉल करना है, यस करना है, अब नेक्स्ट करना है और आई एक्सेप्ट और नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट इंस्टॉल कर देना है। अब देखिए यहाँ पे फिनिश कर देना है। फिर इसके बाद इसे ओपन करना है VMware वर्क स्टेशन को। जिसे ओपन कीजिएगा तो दो ऑप्शन आएगा, एक फ्री एक लाइसेंस वाला। तो हम लोग फ्री वाला करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ।